एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सनमन सेवन टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ स्टोन रीडिंग लेकर। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले कि ईश्वर ने, डिवाइन ने आप लोग के लिए क्या सोच रखा है। तो जिस भी रूप में आप उनको मानते हो, जैसे भी यू नो, आपको बस अपनी आंखें बंद करके उनसे पूरे दिल से प्रेयर करना है कि लाइफ में मेरे ऐसे सो एंड सो सिचुएशन चल रही है, प्लीज़ मुझे गाइड करिए, प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए। और उसके बाद आप जिस भी कार्ड से या फिर से स्टोन से कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उसको अपने लिए चूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पर अर्धनारीश्वर का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पर ये लैब्राडोराइट का स्टोन। ओके, ग्रुप नंबर टू के लिए है यहाँ पर नटराज का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पर ये रोज क्वार्ट्ज का स्टोन। तो आप आराम से चूज कर लें, टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज, याद रहे जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। हालांकि इस रीडिंग में मैंने यही इंटेंशन सेट की हुई है कि जो भी लोग आज इस रीडिंग पर आ रहे हैं, उनको अपने लिए कोई ना कोई गाइडेंस मैसेज जो है वो ज़रूर मिले। तो मेक श्योर कि आप जिस भी ऑप्शन को चूज़ करो, पूरी वो रीडिंग को ज़रूर देखना, ठीक है ना। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग कभी भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने अर्धनारीश्वर का कार्ड चूज करा है एंड साथ में लैब्राडोराइट के स्टोन को, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट। ईश्वर ने, डिवाइन ने, जिस भी रूप में आप उनको मानते हो, उन्होंने आपके लिए क्या सोच रखा है, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा है कि आपको इस रीडिंग में पूरे दिल से डिवाइन से प्रेयर करनी है, उनसे गाइडेंस के लिए पूछना है। एंड यू नो, जब हम अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, हम उनके लिए ग्रेटफुल रहते हैं ना, तो यकीन मानिए हम और ब्लेसिंग्स को और अबंडेंस को मैनिफेस्ट करते हैं। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी चीज़ें आपके पास आज के दिन में, जो भी चीज़ आपके साथ अच्छी हुई हो ना, उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, सिर्फ पहला ही कार्ड यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का है, देखते हैं यहाँ पर। और ऑप्शन फर्स्ट, वाओ, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कॉइन्स, लाइक इन कार्ड्स पे ना रीडिंग एंड हो जाती है। इन कार्ड्स पे कहते हैं क्यों चिंता कर रहे, सब ठीक हो जाएगा, है ना। सो ये दोनों ही अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव पॉजिटिव कार्ड्स हैं। और इन दोनों कार्ड्स के साथ मैं देख रही हूँ कि भाई बहुत सारी खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। और जैसे आपने बहुत इंतज़ार किया है, बहुत वेट किया है एक अच्छे टाइम का, एक अच्छे जो है वो समय का, तो यहाँ पर मैं वो देख रही हूँ। चाहे रिलेशनशिप की बात हो, तो वहाँ पर भी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बैलेंस में नज़र आ रही हैं, काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें हो रही हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो हैं वो अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं किसी तरीके से, या आपको कोई बड़ी परचेज करनी है, आपको घर लेना है, कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, लाइक ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बात करूँ डिवाइन ने आपके लिए क्या सोच रखा है, से यहाँ पर ना दी हाई प्रिस्टिस का कार्ड है। देखो, आप लोग अपनी लाइफ में जो भी कुछ चाहते हो ना, आपको वो जरूर मिलेगा। मुझे यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि अभी तक आपने जो भी विशेस मांगी हैं, भगवान जी वो सब पूरी कर रहे हैं धीरे धीरे। यू नो, सारी चीज़ें मैं ऐसे नहीं करी एकदम से, लेकिन धीरे धीरे आपको मिलते जा रही हैं, आपकी लाइफ में आ रही हैं खुशियाँ, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, प्यार, हैप्पी रिलेशनशिप, हेल्थ, जो भी कुछ है, चीज़ें बेटर हो रही हैं पहले से काफ़ी ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर अभी आपके लिए मैसेज ये है कि अब आपको देखने की ज़रूरत है कि आप जो चाहते थे जब वो आपको मिल रहा है, तो फिर अब आपकी ड्यूटी क्या बनती है, अब आपका फ़र्ज़ क्या बनता है कि आप क्या करें। सो यहाँ पर ना दी हाई प्रिस्टिस का कार्ड है, तो सबसे पहला मैसेज यहाँ पर ये है कि देखो, सारी जो मटेरियल चीज़ें हैं, रिलेशनशिप, पैसा एंड जो भी कुछ आपकी ख्वाहिशें हैं, बिल्कुल पूरा करिए उन्हें, बिल्कुल अच्छे से चलते रहिए जो भी कुछ आप कर रहे हो। लेकिन अभी ज़रूरत है यहाँ पर अपना एक अच्छा सा स्पिरिचुअल रूटीन सेटअप करने की, ध्यान यू नो डेली करने की हैबिट डालो, कुछ ना कुछ जाप करो, बिकॉज ये आपका अभी पर्पस है, ये एक समय की ना रिक्वायरमेंट है। बिकॉज चीज़ें अभी अच्छी चल रही हैं, चीज़ें आगे भी अच्छी चलेंगी, लेकिन लाइफ कभी ना एक फेस पे नहीं चलती है, वो एक पटरी पे नहीं चलती है, उसमें अप एंड डाउन जो चीज़ें हैं वो चलते रहती हैं। तो यहाँ पर अभी आपके लिए क्या मैसेज है, ऑप्शन फर्स्ट की
सारी चीज़ों को मैनेज करो, बैलेंस करो और अपने ध्यान के लिए, अध्यात्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम निकालो। एक तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो किसी तरीके से आपको ना अपनी नॉलेज को एनहेंस करने की ज़रूरत है। अभी ये जो नॉलेज को एनहेंस करने की बात आ रही है, मुझे आपके करियर वाले फील्ड में नज़र नहीं आ रही है, ये मुझे नज़र आ रही है आपके स्पिरिचुअल फील्ड में। लाइक अच्छी रिलीजियस किताबें पढ़ो, बुक्स पढ़ो, जहाँ से नॉलेज मिल रही है, जहाँ से कुछ कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आपको थोड़ा सा अपना स्टडी वर्क जो है वो शुरू कर देना चाहिए, और अंदर से भी आपको मे बी ये कॉलिंग आ रही होगी कि चलो भगवद गीता का पाठ शुरू कर देते हैं, चलो रामचरितमानस का पाठ शुरू कर देते हैं, या कोई भी अदर आपकी अपनी कोई भी बुक्स है, कोई भी रिलीजियस बुक्स हैं या जो भी कुछ है ना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप को उधर भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी शिफ्ट करने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ आप मंत्रास की चैंटिंग कर रहे हो, आप जाप कर रहे हो, तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है। इसके साथ में यहाँ पे ना द मैजिशियन का कार्ड है, साथ में नाइन ऑफ सॉट्स का भी कार्ड है। मैं बताती हूँ, मैं कुछ कार्ड्स और निकाल लूँ, फिर आपको डिटेल में बताती हूँ। ओके, टू ऑफ कप्स, बहुत सारा प्यार यहाँ पर मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। रिश्ते आपके बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। किंग ऑफ कॉइन्स, वाओ, क्वीन ऑफ कॉइन्स, आप लोग बहुत ही लकी हो ऑप्शन फर्स्ट। और अभी हाल फिलहाल में तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स को आप लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। लाइक बहुत कुछ पॉजिटिव होते हुए, बहुत कुछ अच्छा होते हुए मैं आपके साथ देख रही हूँ। इट जस्ट यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखो अपने पास्ट को याद मत करो, तुम्हारा जो आज है वो बहुत ब्यूटीफुल है, वो बहुत बेहतर है, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें बेशक आपकी लाइफ में छूटी हैं, बेशक कुछ पेन भी रहा है, बेशक कुछ दर्द भी रहा है, लेकिन अपने पास्ट की वजह से अपना प्रेजेंट आप लोगों ने बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना। लाइक यहाँ पर कहा जा रहा है कि आई डोंट नो, बट यहाँ पर कुछ लोग की न्यूली अभी अभी शादी हुई है, या आप रिलेशनशिप में आए हो, आई डोंट नो, बट यस यहाँ पर है क्योंकि किंग ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी साथ में है। तो और टू ऑफ कप्स भी है, टेन ऑफ कप्स है, टेन ऑफ कॉइन्स है, सब मैरिज को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली या तो शादी फिक्स हो गई है, शादी हो गई है आप लोगों की, है ना, होने वाली है, जो भी कुछ सिनेरियो चल रहे हैं यहाँ पर। आपसे कहा जा रहा है कि देखो इस फेज को एंजॉय करो, आपकी लाइफ का जो भी कोई इस वक्त फेज चल रहा है, हैप्पी फेज चल रहा है, अच्छा करियर चल रहा है ना, इस फेज को यहाँ पर आपको एंजॉय करना है। ये मत सोचो कि क्या नहीं मिला, क्या गवाया, क्या खोया, क्या पाया, बट फिलहाल अपने आज में रहो, अपने आज को एंजॉय करो। इसके साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में ना अभी बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। लाइक बात करें कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच रखा है, चीज़ें अभी आगे जाके बहुत बदलेंगी। अभी बहुत सारे यहाँ पर डायमेंशन जो है वो शिफ्ट होने बाकी हैं, बट एक चीज़ यहाँ पर जो है वो ये कि आप लोग और ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो। आप पहले से मैच्योर हो, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि और ज़्यादा मैच्योरिटी आपके अंदर आ रही है। चीज़ों को एक समझने की, चीज़ों को एक बैलेंस करने की, मैनेज करने की कैपेबिलिटी आप लोगों के अंदर आ रही है। हालांकि यहाँ पर ये भी है कि देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, तो अभी एट सम टाइम्स आप काफ़ी ज़्यादा बर्डन भी फील करो, एट सम टाइम्स आप लोग को थोड़ा ऐसे लगे कि है ना, थोड़ा ओवरवेलमिंग एनर्जी यहाँ पर है। तो इट जस्ट ओके, लाइफ के फेजेस हैं, लाइफ की साइकिल है, और यहाँ पर बस ये मैसेज है कि देखो इसको एंजॉय करो। बाकी बात करो कि डिवाइन ने अभी आप लोगों के लिए क्या सोच रखा है, करियर वाइज अभी और भी चेंजेस होंगे भाई, ठीक है। अगले एक साल में मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत सारे, मतलब कि जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उसके नेक्स्ट 1 ईयर में कुछ लोग के लिए यहाँ पर उनका अपना नया घर है, आप लोग नया घर ले रहे हो, कोई नया बिजनेस सेटअप कर रहे हो, कुछ बड़ी जैसे कुछ किसी चीज़ की जैसे नींव रखी जा रही है, किसी चीज़ की जैसे फाउंडेशन रखी जा रही है। और जो भी लोग मैरिड हैं, लाइक शादी होने वाली है, या जो भी कुछ है यहाँ पर, लाइक आप दोनों इस चीज़ को कर रहे हो, आप दोनों मिलके एक पार्टनरशिप नहीं बट एक सपोर्ट कह लीजिए, एक लक फैक्टर कह लीजिए कि आपका लक फैक्टर अभी एक्टिवेट हो रहा है और चीज़ें काफ़ी अच्छी हो रही हैं। लेकिन ऑफ कोर्स आपको ये भी कहा जा रहा है कि देखो मैनेज करना पड़ेगा, और स्पिरिचुअलिटी में भी आपको बढ़ने की ज़रूरत है। होता क्या है ना कि हम लोग ऐसे सोचते हैं कि अभी कहाँ हमारी उम्र हुई पूजा पाठ करने की, अभी कहाँ ध्यान करेंगे, कर लेंगे जब 40-50 के होंगे तब कर लेंगे, और तब तक बहुत देर हो जाती है ना। ज़रूरत अभी ज़्यादा है क्योंकि अभी बहुत कुछ मैनेज करना है, अभी बहुत कुछ बैलेंस करना है, अभी बहुत कुछ कुछ चल रहा है। फिर उस वक्त की तो हमें नहीं पता ना कि हम किस सिचुएशन में होंगे, कैसे होंगे, तो
तो जो है ना हमारे पास आज है, हमारा अभी है, तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो कि कल से शुरू करेंगे, परसों से शुरू करेंगे, तो यहाँ पर कहा जा रहा है आज से और अभी से शुरू करो, ठीक है ना। बाकी तो भाई ढेर सारी ब्लेसिंग्स आ रही है। अगर कुछ लोगों की फैमिली में भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी या कुछ कुछ चीज़ें चल रही थी, लाइक सब लोग सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, सब लोग खुश नहीं थे, कुछ ना कुछ था यहाँ पर ऐसा, लेकिन उसका सल्यूशन है भाई कि जैसे जो भी कुछ होता है वो कुछ कुछ ना कुछ रीज़न से ही होता है, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होता है, कुछ ना कुछ अच्छे के लिए होता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी तरीके से ना कुछ चीज़ों का सल्यूशन निकलेगा आप लोगों के लिए, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है आपके फेवर में ही हो रहा है। बस आप थोड़ा सा एक तो पास्ट की एनर्जीज में उलझे मत रहो, पास्ट को मुड़ मुड़ के मत देखो, जो है आज है उसमें खुश रहो, उसमें खुद को अच्छे से रखो। और दूसरी चीज़, थोड़ी सी ओवरवेलमिंग एनर्जीज रहेंगी तो स्ट्रेस नहीं लेना है आपको बहुत ज़्यादा, चीज़ों को आराम से डील करो, मैनेज करो, लाइक डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि सब हो जाएगा। ओके, आप बहुत ब्लेस्ड हो। ऑप्शन फर्स्ट, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ज़रूर टाइप करें, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं यहाँ पर अभी ऑप्शन फर्स्ट। अच्छा जैसे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके घर में भी कुछ कुछ चीज़ें चल रही हैं, घर में कुछ फंक्शंस हो रहे हैं, या जैसे शादी चल रही है, कुछ लोग के लिए बेबी बॉर्न भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मैं ऐसे नहीं करी आपका ही, बट यस घर में मुझे दिख रहा है ना। तो आपका थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपको मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, अपनी वर्क लाइफ, अपने करियर को, अपने, तो इट जस्ट लाइफ के फेजेस हैं, तो आपको इनको डील करना पड़ेगा, ठीक है ना। ब्लॉसमिंग अबंडेंसी, ऑप्शन फर्स्ट, अबंडेंस आ रही है आप लोगों की लाइफ में, अभी खुश हो जाओ, ठीक है ना। वुमैन होल्डिंग ए कॉइन, ये क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। न्यू स्टार्टअप मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि अगर आप लोग बिजनेस में हो ऑलरेडी या आप लोग जॉब में ऑलरेडी, चीज़ें चेंज हो रही हैं अभी, या तो जॉब की लोकेशन चेंज हो रही है, जॉब चेंज हो रही है, प्रमोशन हो रहा है, अपग्रेड कर रहे हो, न्यू जॉब में जा रहे हो, बिजनेस भी है तो कुछ और साइड से शुरू कर रहे हो, है ना, मतलब थोड़ा और एक्सपेंड करना, वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। और नेक्स्ट 1 ईयर में काफ़ी बड़ी बड़ी परचेज भी मैं आपके लिए देख रही हूँ, लाइक स्टेबिलिटी फैक्टर आ रहा है आपकी लाइफ में। टू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, और नेक्स्ट 1-2 ईयर्स का जो टाइम है आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तो हीलिंग भी आ रही है, पास्ट की जो भी कुछ चीज़ें रही, लाइक एक अच्छा टाइम फ्रेम जो है वो आपकी लाइफ में आ रहा है, खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, और इट जस्ट इस टाइम को ब्यूटिफुली आप लोग को इन्जॉय करना है। लेकिन आपका सोल पर्पस क्या है, आपका अभी फ़र्ज़ क्या बनता है, आपकी विशेज़ पूरी हो रही है तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है कि आप क्या करो। तो लाइक कुछ डोनेशंस चैरिटी मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगी कि आप लोग ज़रूर करें, ठीक है ना। और अपना स्पिरिचुअल रूटीन आप लोग ज़रूर सेटअप करें, ये अभी समय की मेन रिक्वायरमेंट है आपसे। स्टॉर्म वार्निंग, थोड़ी सी ओवरवेलमिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि लाइक बहुत कुछ मैनेज करने को रहेगा, बहुत कुछ बैलेंस करना है, बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना है, तो थोड़ा बस टाइम मैनेज करना वगैरह इशू रह सकता है। कुछ लोगों को यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ऐसे भी नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा एंगर इशूज़ शायद हैं आप लोगों को, आप जल्दी हाइपर हो जाते हो, जल्दी एक्साइटेड हो जाते हो, या जल्दी दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि लाइफ कभी भी एक लाइन में, एक सीधी लाइन में, एक फेज़ में नहीं चलती है, यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, चीज़ें होती रहती हैं, तो खुद को बैलेंस रखना इन एवरी सिचुएशन, ये हमें खुद डेवलप करना पड़ता है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है, ठीक है। और भी देखते हैं यहाँ पर, ऑप्शन फर्स्ट, सेंट जर्मेन, कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। ओके, देखो यहाँ पर ना आपके मन में ये सवाल आता होगा कि मुझे ये चीज़ें क्यों नहीं मिली मेरी लाइफ में,
मैं भी, आप अभी रिलेशनशिप में हो, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आपको फिर भी जो पास्ट में पर्सन थे या लोग थे वो आपको बार बार याद आ रहे हैं कि क्यों था वहाँ, चीज़ें क्यों नहीं वर्क करी, वहाँ पर क्यों नहीं अच्छा रहा, या जो भी कुछ है। लेकिन यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो आपके पास आ जाए यही आपकी डेस्टिनी में था, और आपको वापस से पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखना, अदरवाइज से चीज़ें खराब हो सकती हैं। ये जस्ट वो आपका एक कर्मा था, जो भी कुछ आपने अभी रिलीज कर दिया है अपनी लाइफ में से, अब भी जो रास्ता आपको दिख रहा है आप उस पर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। बिकॉज लाइफ में ना हम हर चीज़ को होल्ड करके पकड़ के कि हमारे अकॉर्डिंग हो, हम ऐसे कर ही नहीं सकते। यहाँ पर बहुत बारी चीज़ें जो हैं वो हमारे अकॉर्डिंग, हमारे मन के अकॉर्डिंग होती ही नहीं है, और वहाँ पर फिर हमें एक्सेप्ट ही करना पड़ता है वो सिचुएशन को, वो चीज़ों को, राइट? तो अभी यहाँ पर अच्छी एनर्जीज के लिए आपको स्पेस क्रिएट करना है। अपने आज पे ध्यान दो, ऑप्शन फर्स्ट, इस लाइन को कहीं लिख लेना अपने पास, बिकॉज मन थोड़ा सा भटक रहा है आप लोगों का, है ना? तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है? और देखते हैं यहाँ पर, मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। देखो, लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, सब कुछ है, अबंडेंस भी आ रही है, ठीक है ना? लेकिन कुछ कुछ चैलेंजेस भी हैं यहाँ पर एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में, और ये तो पार्ट है लाइफ का, है ना? तो चीज़ों को केवल एक फिजिकल लेवल पर ना देखते हुए कि इसने ऐसे कह दिया, ऐसा हो गया, है ना, उनको थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेवल पर समझने की कोशिश करना कि ठीक है, ये सिचुएशन ऐसे हुई है, लेकिन अभी मेरे लिए यहाँ पर क्या लर्निंग है, मुझे यहाँ पर क्या सीखना है, मुझे यहाँ पर क्या समझना है। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। साथ में ना अपनी इंट्यूशन की सुनना, मे भी आपको थोड़ा सा चूज करना पड़े आपकी लाइफ में कि सही क्या है, गलत क्या है, किसकी सुने किसकी नहीं सुने, कुछ ऐसे टाइप यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आप अपनी इंट्यूशन की सुनना, आपका दिल क्या कह रहा है, ये मैसेज आपके लिए यहाँ पर है। ट्रस्टिंग हेवन, आर्कएंजल माइकल, यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ ए मिरेकल टू अकर। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट कि अपने मन में से ना डाउट्स को निकाल दो, आई एम सॉरी। सो यहाँ पर आपको डाउट्स नहीं करने हैं, इनसिक्योर नहीं होना है चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर। ये तो देखो ट्रुथ है कि लाइफ में हर वक्त एक सा नहीं रहता, लेकिन इट जस्ट लाइफ का नाम है एक फ्लो में बहना, एक फ्लो के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। लेकिन आपके लिए मैसेज ये है कि देखो आप सेफ हो, आप प्रोटेक्टेड हो, आपके ऊपर डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं, और बस ट्रस्ट करना है, डाउट अपने मन में लेकर नहीं आना किसी भी सिचुएशन में, किसी भी चीज़ के लिए। जैसे कि पता नहीं भगवान जी मेरी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, होता है ना बहुत बारी ऐसे होता है। तो यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि अपनी सारी चिंता फिक्र जो है वो छोड़ दो, अपने आज में जियो, एंड इस तरीके से अगर आप लोग करते हो तो कोई ना कोई मिरेकल आपके साथ ज़रूर होगा, कोई ना कोई मैजिक आपके साथ ज़रूर होगा। आप डिवाइन प्रेजेंस को अपने आसपास फील कर पाओगे, सपने, जैसे आपको कुछ ड्रीम्स में दिख रहा है, कुछ सपने में आ रहा है, कुछ कुछ चीज़ें फील हो रही हैं, कुछ कुछ मिरेकल्स होते हुए आपको दिख रहे हैं, कुछ काम लग रहा था कि ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, अचानक से वो पूरा हो जाएगा। तो ऐसे कुछ चीज़ें रहेंगी, लेकिन वो तब होगी जब आप एक सरेंडर मोड में रहोगे, ठीक है? और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, लेट लव गाइड यू, चूज टू सी द गुड इन द वर्ल्ड टुडे। देखो ये ना हमारी नज़रों का फर्क होता है। अगर हम देखना चाहें, जैसे सपोज कोई एक पर्सन है, अगर हम उस पर्सन में उसकी अच्छाइयाँ देखने चाहें तो हमें 10 अच्छाइयाँ मिल जाएंगी, हम केवल बुराई देखना चाहें तो हमें बुराई भी मिल जाएगी। और इसी तरीके से ये दुनिया है, इसी तरीके से हमारी लाइफ भी है ना? तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो पॉजिटिव है फिलहाल उसको ही देखो, उसको ही जानो, उसको ही सीखो, उसी के साथ एक्सेप्टेंस वाली चीज़, जैसे आपको किसी पर्सन को एक्सेप्ट करना है, कोई सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, कुछ कुछ चीज़ें चल रही हैं तो अच्छाइयों के साथ एक्सेप्ट करो, यह यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है ना? फाइंड योर हेवन,
देर इज़ अ प्लेस ऑफ वंडर वेटिंग जस्ट फॉर यू. कुछ तो यहाँ पर मैजिकल होने वाला है भाई. आप बहुत जल्दी अपने साथ कोई कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हो. मैंने बोला था ना, लाइक डिवाइन प्रेजेंस को अपने आसपास फील कर रहे हो, डिवाइन पावर को फील कर रहे हो. कुछ मैजिक होने वाला है. जैसे आप बस रात को सोए, भगवान जी प्लीज़ ना ऐसे हो जाए, और जैसे नेक्स्ट डे ही आपकी विश पूरी हो गई. तो कुछ तो यहाँ पर ऐसा होगा आप लोगों के साथ, और आप लोग बहुत ब्लेस्ड फील करोगे उस मोमेंट में. आप बहुत लकी फील करोगे उस मोमेंट में. सारे इंडिकेशंस जो आ रहे हैं वो जा रहे हैं कि भाई अपनी अब स्पिरिचुअल जर्नी को तुम एक फेस पे लेकर आओ. अब ऐसा नहीं कि डेली बस थोड़ा थोड़ा था, लेकिन अब थोड़ा अपना मेडिटेशन के लिए आपने थोड़ा टाइम बढ़ा लिया. फॉर एग्जाम्पल आप कुछ कुछ जाप कर रहे हो, कुछ कुछ पाठ, यू नो, जो भी चीज़ें रहती हैं आप लोगों के. लेकिन अब आपको उसके लिए टाइम निकालना है अपनी सारी चीज़ों के साथ, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए. आप लोग क्यों चिंता करते हो भाई? ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग डिवाइन के बहुत क्लोज हो. और अगर आपको लग रहा हो कि मैं आपको सच बोलूँ तो, कि आप चीज़ें कर रहे हो बट ऐसा है नहीं है. आपके साथ डिवाइन की ब्लेसिंग्स हमेशा से हैं, और लाइक जो भी कुछ हो रहा है ना, उन्हीं की मर्जी से हो रहा है. आई डोंट नो, पता नहीं यहाँ पर कैसे है, लेकिन अब चीज़ों को सरेंडर कर दो भाई, क्योंकि आपके चिंता करने से भी कुछ नहीं होगा. जो होगा वो तो भगवान जी ने पहले जैसे सोच रखा है आपके लिए कि क्या होगा. तो जो हो रहा है उसे होने दो तो, और उसमें खुश रहो, ठीक है ना. अपने आप को स्ट्रांग बनाना है आपको खुद को ना. थोड़ा सा पता नहीं, कुछ लोग के लिए मैसेज मिल रहा है कि फिजिकली अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करो. कुछ लोग थोड़ा जल्दी टायर्ड फील करने लग जाते हैं, जल्दी जल्दी थक जाते हैं, लो एनर्जी फील होती है, थोड़ा लेथार्जिक फील होता है. अच्छा, तो आपने अपना ना डाइट जो भी है वो रखनी है. थोड़ा सा कुछ स्ट्रेचिंग, वर्कआउट वगैरह जो भी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह जैसे रहती है, तो आपने थोड़ा सा ये करने की ज़रूरत है. अभी टाइम तो निकालना पड़ेगा भाई, टाइम तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है ना. यहाँ से देखते हैं कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं. ऑप्शन फर्स्ट, गीता, द एब्सोल्यूट ट्रुथ. डू वॉट इज़ डिज़ायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी. सी, मैंने जो चीज़ें यहाँ पर आपको बोली हैं ऑलरेडी, वही मैसेज यहाँ पर कान्हा जी की तरफ से आया है. सबसे पहले तो ये, अगर आप लोग चाहें ऑप्शन फर्स्ट, भगवद गीता का पाठ डेली करें, चाहे थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा सा पढ़ लें बस, ठीक है ना. लेकिन ज़रूर करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. और साथ में यू नो गीता ये भी सिखाती है कि अपना कर्म करते जाओ, ठीक है ना. जो सही है वो करते जाओ, ठीक है ना. तो जो सही है वो आप लोगों ने करना है. आई डोंट नो बट यस, कुछ कुछ चीज़ें हैं आपको जो करनी पड़ेंगी. लाइक आपका मन नहीं है बट समय की रिक्वायरमेंट है. कुछ चीज़ें ऐसी भी आपने करनी पड़ेंगी. कुछ कुछ फैमिली में लाइक कुछ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं मे बी आप लोगों के, तो वहाँ पर आपने कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे. सरेंडर. और लाइक मैंने आपको यही बोला कि सरेंडर करते जाओ. एंड कान्हा जी की तरफ से सेकेंड मैसेज है सरेंडर का. आप लोग चाहो तो भाई इन कार्ड्स के ना स्क्रीन शॉट ले सकते हो. ओके, सो सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है. सारी चिंता, फिक्र, परेशानी जो भी है सरेंडर कर दो भगवान जी के सामने. जिस भी रूप में आप उनको मानते हो, जैसे भी मानते हो, सब ठीक होता चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना. कभी कभी यहाँ पर जैसे कहा जाता है, देखो इतना सीरियस मत लो चीज़ों को कि ऐसे हो गया, ऐसे कह दिया, ऐसे कह दिया. जस्ट लाइट एनर्जी में रहो, बहने दो चीज़ों को. जो हो रहा है उसे होने दो, खुद भी बहो, मतलब खुद भी बहना है उसके साथ, फ्लो के साथ. तो वो यहाँ पर कहा जा रहा है. लास्टली यहाँ से और देख लेते हैं क्या मैसेज है. ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग चाहें तो 7 चक्र ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो. 7 चक्र मैंने इसलिए बोला है बिकॉज लाइफ में बहुत कुछ 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 चीज़ें चल रही हैं सब तरफ से. तो 7 चक्र ब्रेसलेट क्या करता है, आपकी ओवरऑल एनर्जी को बैलेंस करता है, आपके 7 चक्रास को बैलेंस करता है. तो 7 चक्र ब्रेसलेट आप वेयर कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट डे यहाँ पे रक्षा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स. आप सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो, ये बात को आपको हमेशा याद रखना है.
कोई पावर है, कोई शक्ति है, आई डोंट नो, एंसेस्टर्स की तरफ से कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स हैं आपकी तरफ, या आपके पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्म रहे, कुछ चीज़ें रहीं जहाँ पर आपने बहुत साधना करी, तपस्या करी, आप लोग हमेशा प्रोटेक्टेड हो, लाइक कोई आपका गलत नहीं कर सकता, कोई बाहर से आपको कोई चोट नहीं पहुँचा सकता, आपको कोई तकलीफ़ नहीं दे सकता। जिस लाइफ में होता है ना कि अपने ही कुछ 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 चीज़ें चल रही हैं, अपने ही कुछ कुछ मैटर चल रहा है, तो वो बात अलग है। तो आपको किसी से भी कभी भी अपनी लाइफ में डरने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी कोई सिचुएशन आया, आप परेशान हो, घबरा रहे हो, आप जस्ट भगवान जी का नाम लो, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है। अपने मन में अगर ऐसे कुछ डर है तो वो निकाल दो, विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जितना आप डिवाइन पावर पर, ईश्वर के ऊपर विश्वास करोगे, ट्रस्ट मी, चीज़ें आपकी लाइफ में उतनी ही और ज़्यादा बेस्ट होते चले जाएंगी। ये आपके लिए की वर्ड है, ठीक है ना। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, www.healofthedayasun17.com। बाकी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन चूज, अगर आप लोगों ने नटराज का कार्ड को चूज़ करा है और साथ में रोज क्वार्ट्ज के स्टोन को, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ईश्वर ने, डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या सोचा हुआ है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या कुछ होने वाला आप लोगों के साथ, तो सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। लेकिन जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि आप सभी लोग पूरे दिल से प्रेयर करें डिवाइन से, भगवान जी से, कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, ठीक है। एंड जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल रहते हो ना, आप उतना ही ज़्यादा अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को, अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हो। तो एक जो भी चीज़ आपके साथ अच्छी हुई हो, आपको नीचे उसे काउंट करना है और लिखना है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ, ठीक है ना। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑप्शन टू क्या सोच रखा है डिवाइन ने। ऑप्शन टू फोर ऑफ सॉट्स, सेवन ऑफ कप्स, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो आप लोग अपनी लाइफ में अभी। ऑप्शन टू बहुत सारी चीज़ों में ना, एक मैं देख रही हूँ कि एक स्ट्रगल सा जैसे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चल रहा है, बहुत कुछ आपके साथ हो चुका है, बहुत कुछ आपने सहा है, सफ़र किया है अपनी लाइफ में, और अभी ना यहाँ पर एक लॉस्ट सी एनर्जी है कि अब आगे क्या करना है, आगे कैसे सर्वाइव करना है, आगे किस डायरेक्शन में जाना है। बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं आपके सामने कि आप ये कर सकते हो, आप इस फील्ड में जा सकते हो, आप ये करियर ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली ना चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं। पास्ट के बहुत सारे यहाँ पर ना एक ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए हैं, जैसे कि सपोज एक पर्सन ना एक बारी फायर से जल जाए, तो उसके मन में ना लिटिल बिट हमेशा के लिए थोड़ा सा डर रहेगा कि भाई मैं जल गया था, मुझे ये काम अब ध्यान से करना है, राइट, ऐसा हो ही जाता है। तो वैसे ही आपके साथ साथ जैसे करियर में बार बार फेलियर्स रहे, लव लाइफ में फेलियर्स रहे, बहुत सारे ना आपके मन में एक ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए हैं, फियर्स क्रिएट हो गए हैं, कुछ भी आपको ऐसे बस मन में ख्याल आते रहते होंगे, कुछ नेगेटिव से, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, अब क्या होगा, कैसे होगा। तो बहुत सारा ना यहाँ पर एक 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 ऑप्शन टू मतलब कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और आप कोशिश कर रहे हो यहाँ पर खुद को हील करने की, लेकिन स्टिल काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। मैं देखती हूँ यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स की, भगवान जी ने क्या सोच रखा है आपके लिए। यहाँ पर कार्ड गिरा है, वाओ, एस ऑफ वॉन्स, पता है इसके साथ मुझे कैसे आपके लिए मैसेज मिल रहा है कि देखो जब सबसे ज़्यादा रात के वक्त अंधेरा होता है ना, बस समझ जाओ कि तभी सवेरा होने वाला है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है कि आपको तो अभी आपकी लाइफ में हार्डशिप दिख रही है, परेशानी दिख रही है, कठिनाइयाँ दिख रही हैं, जो भी कुछ है, लेकिन ईश्वर ने आपके लिए यहाँ पर जस्टिस सोच रखा है। आपने जो भी मेहनत करी है आपको उसका फल भी मिलेगा। यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स भी हैं बहुत जल्दी, जैसे कुछ नए आपकी लाइफ में चीज़ों की शुरुआत होने वाली है, कुछ कुछ पॉजिटिव हो रहा है, कुछ कुछ अच्छा हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। निकाल लेती हूँ मैं सारे कार्ड्स, फिर आपको डिटेल में बताती हूँ। ऑप्शन टू सिक्स ऑफ वॉन्स, वाओ, जजमेंट, सिक्स ऑफ कॉइन्स,
टेन ऑफ कॉइन्स एंड डेथ। भाई ऑप्शन टू में आप लोग को एक ही चीज़ बोलूँगी, से थ्री ऑफ वॉन्स की एनर्जी लाइफ में कहा जा रहा है आगे बढ़ते रहो। कभी कभी हमें नहीं पता होता कि हमें कहाँ जाना है, हमें कहाँ पहुँचना है, हमारी डेस्टिनेशन क्या है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि डेस्टिनेशन जो है उन्होंने सोच रखी है, आप बस आगे बढ़ते जाओ, है ना। तो वैसे ही एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही हैं कि एंडिंग पॉइंट आपको नहीं पता कि चीज़ें कहाँ जाकर रुकेंगी, क्या पॉजिटिव होगा, क्या अच्छा होगा। आपसे बस कहा जा रहा है कि सब कुछ डिवाइन ने प्लान कर रखा है, आप बस आगे बढ़ते जाइए। इसके साथ में यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके लिए। ये सिचुएशन बहुत सारे इल्यूजन हैं, ट्रैप्ड फियर्स हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये वाले जो कार्ड्स हैं ये कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। यहाँ पर एनर्जीज कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। और जस्टिस के बाद सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का आना मतलब आपको ना आपकी मेहनत से, लाइक आपको सक्सेस बहुत मिलेगी आपकी लाइफ में, लेकिन आपके हार्डवर्क से मिलेगी, आपकी मेहनत से मिलेगी। मतलब कि देखो कुछ लोग ना बहुत सारी सक्सेस अबंडेंस अपनी किस्मत में लिखवा कर लाए होते हैं, है ना। लेकिन आपके साथ कैसा है, आप अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बनाओगे, अपनी मेहनत से आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें हैं उनको बैलेंस करोगे। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर, एक नई जर्नी की आपकी लाइफ में शुरुआत हो रही है। डेथ का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, ये ना रीबर्थ की एनर्जी हो रही है। जैसे एक पर्सन की लाइफ में एक फेज़ ऐसा आया जहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ से बिखर सा गया, आप लोग टूट से गए। लेकिन जजमेंट का कार्ड यहाँ पर क्या बता रहा है, एक नई रोशनी के बारे में, एक नई सुबह के बारे में, कि चीज़ें फिर से शुरू हो रही हैं, फिर से अपनी लाइफ जो है वो साइकिल लेकर आ रही है ना। कुछ एंडिंग होने के बाद ही तो न्यू बिगनिंग होती है, तो यहाँ पर आपके लिए वैसे मैसेज मुझे मिल रहा है। और अभी आपकी लाइफ का एक कम्प्लीटली न्यू चैप्टर मैं बिगिन होते हुए देख रही हूँ, और इस न्यू चैप्टर में आपकी लाइफ में ना ऑप्शन टू करियर वाइज बहुत ग्रोथ होने वाली है। आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में फ्लरिश कर रहे हो, यहाँ पर आपको नेम फेम मिल रहा है। मे बी कुछ लोग अभी इतने नेगेटिव हो चुके हैं कि उनको लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही कह रही हूँ या कुछ नहीं होता या लेकिन यस, यहाँ पर मैं आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देख रही हूँ। ट्रस्ट मी, सब कुछ अच्छा यहाँ पर होगा। आपको बस ये कहा जा रहा है कि ये जो लाइफ का आपके फेज चल रहा है ना, आपको यहाँ पर रुकना नहीं है, आपको थमना नहीं है यहाँ पर, अब बस मूवमेंट में रहें, आगे बढ़ते रहें। मे भी कुछ लोगों का बिल्कुल ऐसे हो कि मन ही नहीं कर रहा है जॉब पर जाने का, ऑफिस जाने का, जस्ट जाओ। थोड़ा सा आपको ना खुद को पुश करना पड़ेगा, आई नो आप बहुत टाइम से वो कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा और यहाँ पर कहा जा रहा है। धीरे धीरे ना आपको लग रहा है कि एकदम जैसे एकदम से एनर्जी चेंज होंगी आपकी लाइफ में। अभी आपको सब कुछ नेगेटिव, प्रॉब्लमेटिक सब कुछ वैसे लग रहा है, लेकिन एकदम से जैसे यहाँ पर ना चीज़ों में बदलाव आ रहा है, एनर्जीज चेंज हो रही हैं। और अभी फिर जैसे आपको सब कुछ नेगेटिव लग रहा है, देन आपको सब कुछ यहाँ पर ऐसे दिख रहा है मुझे कि पॉजिटिव दिखना शुरू हो जाएगा। एंड देन आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जो भी कुछ आपने सफ़र किया वो क्यों किया, क्या रीज़न था, क्या आपका कर्मा पेंडिंग था। तो बहुत सारी इंसाइट्स आपकी लाइफ में मैं आते हुए देख रही हूँ। यहाँ पर अवेकनिंग है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पर एनलाइटनमेंट है। स्पिरिचुअलिटी की बात सब करते हैं, है ना, सब करते हैं, राइट। लेकिन ये जो सफ़र है, ये जो जर्नी है, ये इतनी आसान नहीं होती भाई। अपना जो भी पेंडिंग कर्मा है ना आपका पिछले जन्मों का भी, उसको भी सॉल्व करना पड़ता है, उसको भी रिजॉल्व करना पड़ता है। तो स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब, स्पिरिचुअलिटी में आने का मतलब लोग हमेशा ये समझते हैं कि वाह अब तो सब कुछ एकदम पॉजिटिव रहेगा, वाह अब तो सब कुछ एकदम हैप्पी हैप्पी रहेगा, है ना, क्योंकि हम तो ध्यान कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। देन चीज़ें फिर ये होती हैं कि तुम जल्दी से जल्दी अपनी सोल की जर्नी कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना, अपना कर्मा जो भी है वो रिलीज करो। और फिर ऑफकोर्स फिर वो चीज़ें इजी नहीं होती हैं, बट इट जस्ट इस सोल की जर्नी है ना। आप चीज़ों को अपने पर्सनल लेवल पर ना समझकर सोल लेवल पर समझने की कोशिश करो, है ना। और नेचर में अपना ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन टू टाइम स्पेंड करो, नेचर से कनेक्ट करो, लाइक बहते पानी को देखना, आपके आसपास कोई घर, घर के आसपास कोई रिवर है, लेक है, बीचेस हैं या जो भी कुछ है, वहाँ पर थोड़ी देर जाओ, थोड़ी देर वक्त बिताओ, आपको अच्छा लगेगा। और अभी तो सर्दियां हैं, फायर एलिमेंट के साथ कनेक्ट करो, सन एनर्जीज में बैठो,
ठीक है ना, धूप में थोड़ी देर, सनलाइट में थोड़ी देर बैठो, या अपने आसपास थोड़ा सा फायर बर्न करके तब बैठ जाओ। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें आपसे कही जा रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको नेचुरल चीज़ों से एनर्जी जो है वो कलेक्ट करने की ज़रूरत है। ओके, और देखते हैं यहाँ पर। और आई डोंट नो, बट मुझे ऐसे भी मैसेज मिल रहा है कुछ लोग की कोई ट्रिप बहुत जल्दी माउंटेन्स की तरफ हो सकती है। 80% माउंटेन्स है, 20% किसी फॉरेस्ट टाइप प्लेस, बीचेस है ना, उस तरफ रह सकती है। आई डोंट, लेकिन यस, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मुझे ये भी दिख रहा है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन टू, और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, सिक्स्थ चक्रा, ओके, ध्यान करिए भाई, ध्यान करिए, ध्यान करने की ज़रूरत है आप लोगों को। ब्लॉसमिंग अबंडेंस वाला कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी था, तो भाई ढेर सारी अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आ रही है, और खुश हो जाओ भी यहाँ पर। मतलब आई डोंट नो, यहाँ पर बस ऐसे ही कहा जा रहा है कि खुश रहो। हो सकता है प्रॉब्लम चल रही, हो सकता है चीज़ें अभी अकॉर्डिंगली नहीं चल रही, लेकिन खुश रहो भाई, जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। लेट लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है कि लेट गो करो कुछ चीज़ों को। सिक्स चक्र का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों का ना सिक्स सेंस जो रहता है एक्टिवेट होते हुए दिख रहा है, लाइक आपको पहले से इंट्यूशन आएगी क्या होने वाला है, कैसे कुछ कुछ इनसाइट आपको मिल जाएगी, है ना। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो आप अभी पता क्या होता है कि सिक्स सेंस एक्टिवेट हो रहा है या आप इस प्रोसेस से गुजर रहे हो, उस वक्त आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हो हर चीज़ के लिए, लोगों के लिए, एनर्जीज़ के लिए, बहुत हर चीज़ में आपको बहुत सोच समझ के रखना पड़ता है कि मुझे अभी किसी से बात करनी है, कि ऐसा होता है। ठीक है, इतना डीप में मैं नहीं जा रही, लेकिन आप मेक श्योर करें कि आप कुछ नेगेटिव ना सुने, कोई भी नेगेटिव रोने धोने वाले सॉन्ग वगैरह वगैरह नहीं सुनने हैं, कुछ नेगेटिव नहीं देखना है आप लोगों को, कोई भी ऐसी मूवी वगैरह फिलहाल तो अभी नहीं देखनी है जिसमें कुछ नेगेटिव मैसेज हो या बहुत ज़्यादा वॉयलेंस हो। ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है, लड़ाई झगड़े वगैरह ना इनसे दूर ही रहना है आप लोगों को। ओके, थोड़ा सा ये जो वक्त है ना, ये ऐसा है कि आप अपने माइंड में पॉजिटिव चीज़ें रिस्टोर करें, पॉजिटिव सुने, पॉजिटिव देखें, नेचर से कनेक्ट करें, ये जो वक्त है ना ये इन चीज़ों का है। ओके, और देखते हैं यहाँ पर आपके लिए जर्नी, आपकी लाइफ के भाई एक नई जर्नी की शुरुआत है, बहुत कुछ नया आप एक्सपीरियंस करोगे अपनी लाइफ में जो आपने पहले कभी नहीं किया। जैसे बैक पैक करके कहीं जा रहे हो, कहीं एक नए सफर पर जा रहे हो, आपने बहुत कुछ सहा, सफर किया, देन अब आपका ऐसे हो जाएगा कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, मुझे अब मेरी लाइफ को देखना है। कुछ लोग ना अपने घर से कहीं दूर भी जा सकते हैं, ठीक है, कहीं और किसी और सिटी में आप लोग शिफ्ट करो, ये भी चीज़ यहाँ पर पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए। आपको थोड़ा सा दूर जाना है कुछ चीज़ों से। फोर्थ चक्रा, हार्ट चक्रा को बैलेंस करो। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना जो भी कुछ रहा, सबसे ज़्यादा आपका हार्ट चक्रा जो है वो डिसबैलेंस हुआ है, इमोशनली थोड़ा सा परेशान हुआ आप लोग, चीट किया आपको, झूठ बोला आपसे किसी ने, या जो भी कुछ यहाँ पर चीज़ें रहीं, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करो। कुछ लोगों ने ऐसे अपने आप को रिजर्व कर लिया है कि अब मैं किसी से बात नहीं करूँगी, या मैं किसी से बात नहीं करूँगा, सब लोग एक से होते हैं, सब धोखा दे देते हैं, है ना, सब मतलब ही होते हैं, सब सेल्फिश होते हैं। जब आप ये सारे वर्ड्स को रिपीट कर रहे हो अपने माइंड में, आप याद रखना आप अपने हार्ट चक्रा की एनर्जीज को और ब्लॉक कर रहे हो। तो यहाँ पर ना आपको जो मेन फोकस इस वक्त अपना देना है वो हार्ट चक्रा हीलिंग पे देना है। आप जब भी ध्यान करें अपने हार्ट चक्रा पर फोकस करें, मेडिटेट करें अपने हार्ट चक्रा पर, और भगवान जी से प्रार्थना करें कि जो भी ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर वो सभी दूर हों, आपका ये चक्रा हील हो। और अगर हार्ट चक्रा बैलेंस में नहीं होता ना तो एक पर्सन खुश नहीं रह पाता भाई, वो अपनी लाइफ में फीलिंग्स एक जो मेन फैक्टर है वो खुश नहीं रह पाता, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, मैनिफेस्टेशन भी नहीं कर पाते, देन कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा ही नहीं हो रहा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन फीलिंग पे चलता है। तो
अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप लोग रोज़ क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंजरिन के ब्रेसलेट को साथ में वियर करना। आपकी ओवरऑल एनर्जीज को देखते हुए मैंने बोला है कि दोनों साथ में वेयर, एक भी करोगे तो चलेगा बट साथ में वेयर करोगे देन आप जो करियर वाइज जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी आपको वहाँ पर रिलीफ मिलेगा, इमोशनली प्रॉब्लम आ रही है वहाँ भी रिलीफ मिलेगा, जो भी कुछ हार्ट ब्रेक हुआ, दिल टूटा, परेशानी, वहाँ पर भी हील करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो आप रोज क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंजरिन को साथ में वेयर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन टू। एंड येस, क्रिस्टल्स परचेज करने के लिए आप वेबसाइट से कर सकते हैं। सेंट जर्मेन कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। देखो, पास्ट की चीज़ों में उलझे मत रहो, कर्मा रिलीजिंग का मैसेज है। एक्जैक्टली यही मैंने आपको बोला कि भगवान जी चाहते हैं कि कर्मा रिलीज करें, एंड सी यहाँ पर वही कार्ड आप लोगों के लिए आया है। सो लाइफ में आपके डिफिकल्टीज रहीं, कठिनाइयाँ रहीं, बट आप ही लोग अपना कर्मा रिलीज कर रहे थे, ये आपके सोल प्लान में था कहीं ना कहीं। अभी यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन चीज़ों में और ज़्यादा अटके रहने की ज़रूरत नहीं है आपको ना, जिन लोगों ने तकलीफ दी, लाइक कहा जा रहा है उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। ड्रामा में नहीं फंसना, नहीं देखना मतलब कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है क्रिएट योर ओन पाथ, अपना देखो। अब आपको क्या करना है, अब आपको आगे कैसे जाना है, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है आप लोगों को। मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, अच्छी एनर्जीज को शेयर करें, खुद भी मतलब पॉजिटिव रहना है, माफ़ भी कर देना है यहाँ पर, ये भी कहा जा रहा है। क्योंकि लाइक आई नो ये कुछ लोगों के लिए सुनना डिफिकल्ट हो सकता है, बट मैसेज ऐसे ही मिल रहा है कि जिन्होंने आपके साथ जो भी कुछ गलत किया, लाइक उनकी भी गलती नहीं है, ये तो एक आपके ये कर्मा रिलीज करना ही था ऐसे लिखा हुआ। तो अब आपको ये जो ये जो जो रिलीज होना था कर्मा, सपोज जैसे किसी आपने ना किसी से उधार ले रखा पिछले जन्म में, मैं एक एग्जांपल से समझा रही हूँ, अब आपने क्या किया, आपने वो चुकाया है, तो अब आपको अपने मन में ये नहीं रखना कि ये भी मुझे चुकाएगा, मतलब अब आपको आपने जो कर्मा रिलीज करना था वो कर दिया और वो चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो गया है। अब आप अपने मन में ग्रजेस रखोगे, उसके लिए हेट्रेड रखोगे या जो भी कुछ रखोगे फीलिंग्स, तो फिर ये कर्मा फिर आगे फिर वो आगे प्रोसीड होगा, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं आपको यहीं पर इनको स्टॉप कर देना है, ये जो बॉन्ड आपका है यहीं पर आपको इसको अभी इस पर ब्रेक लगाना है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है ना। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ इस बात को, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वाओ, कृष्णा डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एंड यू आर लव्ड अनकंडीशनली। भाई बात यहाँ पर ये टॉपिक है रीडिंग का कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है ना। एंड काना जी यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि भाई उन्होंने आपके जो भी कमिटमेंट है, जो भी आपके एक तरीके से जितने इम्तहान होने थे ना, जितने आपको आजमाना था यूनिवर्स को, आपके जितने टेस्ट लेने थे वो भी ले लिए हैं, और अब आपको क्या मिलेगा, आपकी मेहनत का फल मिलेगा। यू आर लव्ड अनकंडीशनली। अब जो लोग आपकी लाइफ में आएंगे वो लाइफ टाइम के लिए आएंगे। वैसे तो यही कहा जाता है कि देखो कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन आप जो डिजर्व करते हो आपको वो मिलेगा, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। आपने किसी करियर में बहुत मेहनत करी है, आपको फल मिलेगा। आपने किसी इंसान को बहुत प्यार किया, बदले में आपको नहीं मिला, आपको वो कहीं ना कहीं से मिलेगा। क्योंकि इस यूनिवर्स में हम जो एनर्जी शेयर करते हैं वही हमें रिटर्न बैक होके मिलती है। तो जस्ट यहाँ पर कहा जा रहा है अपनी नॉलेज पर भरोसा रखो, डिवाइन पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। सो अपना आपको बहुत सारा ख्याल रखने की ज़रूरत है। ऑप्शन टू, फ्रेया फेजेस एंड साइकिल्स, देर इज ए बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। मैंने अभी आपको यही एग्जैक्टली समझाया था कि अगर न्यू बिगनिंग लाइफ में चाहते हो ना, तो एंडिंग से गुजरना ही पड़ेगा भाई। तो वही मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है कि हर किसी पर्सन की लाइफ में ना खुशी गम ये सब कुछ आते रहते हैं, एक जैसा कभी कुछ भी नहीं चलता है। और आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो तो आपको वैसे नहीं डील करना जैसे कि और लोग करते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो भी लोग इतना स्पिरिचुअलिटी से चीज़ों से अवेयर नहीं है वो हमेशा कंप्लेंस वाले एक मूड में रहते हैं, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। लेकिन जब आपके पास वो नॉलेज अवेयरनेस है तो आप उस चीज़ को एडमिट करिए कि ठीक है, लाइक
इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। नेगेटिविटी किसी तरीके से आपके आपके ऊपर जैसे हावी हो रही है, लेकिन आपको उसको नहीं होने देना। आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। कैसे जाना है? सबके अलग अलग वेज होंगे। आप कान्हा जी के टेंपल चले जाइए, मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है। अब हमारे यहाँ मथुरा वृंदावन में तो मतलब बहुत है, और बहुत अच्छे से कीर्तन वगैरह होता है। तो लाइक कोई परेशानी भी है, चले जाओ तो बड़ा ही रिलीफ मिलता है, बड़ा ही रिलैक्स मिलता है। तो लाइक वैसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि अच्छी एनर्जीज में रहिए, जहाँ पर अच्छी पॉजिटिव वाइब्स हैं उस जगह पर रहिए, ठीक है। तो और देखते हैं यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन टू और क्या गाइडेंस है। टुडे इज द डे, इट इज़ द टाइम टू बिगिन द जर्नी। वाओ, जहाँ पर भी जर्नी का कार्ड है। तो भाई यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोग सोच रहे हो ना ये कब होंगी न्यू बिगनिंग, ये कब होगी नई जर्नी की शुरुआत। मैं आपको बताती हूँ, ये जो न्यू बिगनिंग है वो आज से ही शुरू है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ की जो न्यू जर्नी है ये आज से अभी से शुरू हो रही है। और अब किसका इंतज़ार है पता नहीं, ऐसे ही मैसेज मिला आपके लिए कि अब किसका इंतज़ार है। जैसे भगवान जी आपसे पूछ रहे, किसका इंतज़ार में बैठे हो, क्या सोच रहे हो, आगे बढ़ो। खोए हुए से हैं कुछ लोग, थोड़े लॉस्ट से हैं। आपसे कहा जा रहा है बैक टू ट्रैक आओ। इमोशंस आर द रिफ्लेक्शन, लुक फॉर द डीपर मीनिंग। आपको खुद को इमोशनली बैलेंस करने की ज़रूरत है, ये कार्ड भी आना चाहता है। रन वाइल्ड, लेट योर इनर वाइल्ड चाइल्ड रन फोर्थ। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में ना जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर होता है पूरे तरीके से। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जहाँ पर आपका आपकी अंदर की इंस्पिरेशन आपको ले जा रही है ना, जो काम करने को कह रही है, बस उसे कर डालो। अब किसी के लिए नहीं रुकना। यहाँ पर ये मैसेज है ना, आप किसके इंतजार में बैठे हो, ये आपसे ही पूछा जा रहा है, किसके इंतजार में बैठे हो, बढ़ो आगे। अभी कुछ कुछ वेट नहीं करना, अभी कुछ नहीं सोचना। जहाँ आपकी इंट्यूशन ले जा रही है, जस्ट यहाँ पर नई जर्नी की शुरुआत हो रही है। जैसे पता नहीं, जैसे कुछ कुछ मूवीज़ में देखा है ना, कोई एक पर्सन होता है वो अपने सपने पूरा करने के लिए जैसे ट्रेन में बैठ के रात में निकल जाता है, देन बहुत सारी जगल होती है, हार्डशिप आती है, लेकिन एक दिन वो कोई बहुत बड़ा पर्सन बन जाता है। लिटरली वैसी एनर्जीज है यहाँ पर। तो निकलना पड़ेगा भाई, कहीं पहुँचना है तो कहीं से निकलना पड़ेगा, है ना। और अपने इमोशंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, अपनी वीकनेस नहीं, ओके। ये चीज़ कही जा रही है यहाँ पर। अभी देखते हैं कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। न्यू क्रिएशन, ट्रेवल इफ नीड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन। इट इज टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू, इट इज टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। न्यू क्रिएशन, एग्जैक्टली, यहाँ पर न्यू जर्नी है आप लोगों के लिए। ऑप्शन टू, आई थिंक ये मैसेज आपकी रीडिंग में बार 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 हर डेक से रिपीट हो रहा है। तो आगे बढ़ो, ट्रैवल इफ नीड बी। तो यस, ट्रैवल मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए, ट्रैवल रह सकती है, वर्क पर्पस, करियर पर्पस रह सकती है। आप जॉब ढूंढने कहीं और जा रहे हो, किसी और सिटी में जा रहे हो, कहीं और अप्लाई कर रहे हो, तो ये सारा कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके लिए। भगवान जी से डेली प्रार्थना करनी है आपको कि भगवान जी प्लीज़ मुझे अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, मुझे हील करिए, मेरा आज का दिन जो है वो बहुत ही पॉजिटिव रहे, बहुत ही अच्छा रहे, ब्लेस्ड रहे। अपने वे में आपको अपना दिन शुरू करने के पहले ना अपनी एक प्रेयर बनानी है, उसको डेली अफर्म करना है, देन अपने दिन की शुरुआत करें। जो भी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं उनके लिए थैंक यू बोले रात को सोने के पहले, सुबह उठ के अपने होने के लिए, अपनी इस लाइफ के लिए, आप जिस घर में हैं, जिस छत के नीचे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू बोलते जाइए, बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज द बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप्स। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो फ्रेंडशिप जो है ना वो बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो अगर कुछ कुछ दोस्त आपके जो हैं आपसे रूठ गए, परेशान हैं, मना लो आप, ठीक है। और अगर आप किसी से रूठ गए हो तो आप गिफ्ट कर दो, माफ़ कर दो, ठीक
ठीक है ना, ये चीज़ कही जा रही है यहाँ पर। कुछ लोग बहुत ऐसा फील करते हैं कि कोई नहीं अपनी बात शेयर करने को, अपने दिल की बात कहने को। लाइक कान्हा जी की तरफ से मैसेज है कि आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है ना, आप बैठो उनके सामने। लाइक सबके घर में लड्डू गोपाल होते हैं, नहीं आप उनके किसी मंदिर में चले जाओ, नहीं तो अपने मन में उनका ध्यान कर लो, सिंपली उन्हें अपना दोस्त मान लो और उनसे अपनी बातों को शेयर करो, ठीक है ना। लास्टली यहाँ से और देख लेते हैं ऑप्शन टू। कान्हा कला काली, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। आपको यहाँ पर एक चीज कही जा रही है ऑप्शन टू, और ये आपको डराने के लिए नहीं कहा जा रहा, ये आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर ना जो क्वेश्चन कर रहे हैं, भगवान जी कहाँ मेरी हेल्प कर रहे हैं, आपने गलत किया या जो भी कुछ है। चीजें आपकी लाइफ में और भी खराब हो सकती थी, वर्स हो सकती थी, बट वो नहीं हुई हैं। जितना आप कर्मा रिलीज करना मतलब लिखवा कर लाए थे जिस तरीके से, वो उस तरीके से रिलीज नहीं हुआ है, क्योंकि आपका मन प्योर है। बिकॉज आप जो भी अच्छे काम कर रहे हो, नेक काम कर रहे हो, उन सबको देखते हुए, तो आपके साथ कुछ भी ऐसे नहीं हुआ कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ हो, कुछ भी आपको ज़रूरत से ज़्यादा मिल गया हो, नहीं कम ही मिला है आपको, बहुत कम होके मिला है। लाइक इंटरेस्ट भरनी थी बहुत और तगड़ी वाली, लेकिन वो कम में सिलट गई, वो कम में पूरी हो गई। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पर? तो ब्लेस्ड फील करो अपने आप को, ठीक है ना, नहीं तो ये जो सफरिंग की साइकिल थी ये और लंबी चलनी थी, इसमें और ज़्यादा पेन था, तकलीफ थी, बट आप कम में गुजर गए, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो अभी भाई इससे बाहर निकलना है आप लोगों को। बाकी तो यहाँ पर ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, वेल्थ अच्छी हो रही है, करियर वाइज अच्छा कर रहे हो आप लोग, ग्रो कर रहे हो, नई जॉब मिल रही है आप लोगों को, नई जॉब मुझे पता नहीं क्यों सुनाई दे रहा है, न्यू जॉब। तो न्यू जॉब है, न्यू बिजनेस है, न्यू करियर पाथ है आपके लिए, कुछ न्यू है। रक्षा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम, प्रोटेक्शन यहाँ भी है, प्रोटेक्शन यहाँ भी है, फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स। ऑप्शन फर्स्ट में भी था ये वाला कार्ड। तो भाई भगवान जी की, डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के साथ, आप लोग प्रोटेक्टेड हो, सेफ हो, बेफिक्र होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ओके, सो ऑप्शन टू ये है आपकी रीडिंग। एंड जस्ट ये रीडिंग ने जिन भी लोगों से रीडिंग रेजोनेट करी होगी काफ़ी हेल्प किया होगा। आप चाहो इस रीडिंग को सेव कर लो, बार बार ही सुन लेना, अच्छा लगता है राइट? तो यस, ज़रूर बताइएगा ऑप्शन टू में, खो सी गई आपकी रीडिंग में, आपको कैसी लगी रीडिंग। बाकी यस, लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी क्रिस्टल्स आप परचेज करना चाहते हो तो वेबसाइट से कर सकते हो, www.healofthe717.com। बाकी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।